एडीजी जो नखिल कुमार ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी। इस दौरान एडीजी जो नखिल कुमार ने सभी कर्मचारियों को देश की अखंडता व कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई, जिसके संबंध में एडीजी जो नखिल कुमार ने कहा कि 73वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को बधाई व शुभकामना देता हूँ तथा यह दिन हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन ही हमारा संविधान लागू हुआ था जिस पर हमारा देश चल रहा है, जिसको हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में नेतृत्व द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम आत्मपद करते हैं। जय हिंद। जानना जरूरी होता है कि गणतंत्र दिवस का महत्वता क्या है। कोई भी समाज किसी नियमों के आधार पर चलती है और 26 जनवरी 1950 को देश का पहला संविधान, देश का संविधान पहला नहीं संविधान लागू किया गया और वह हमारी जो व्यवस्था है देश में उसका बुनियाद है। जो भी देश के हमारे कानून बने और जिस तरह पर देश चल रहा है उसका जो फाउंडेशन है वो हमारा संविधान है और उसी दिन 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान अडॉप्ट किया जिसके आधार पर देश की सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है। हमें अपने संविधान पर नाज है। आज उन्हीं संविधान में दिए गए निर्देश, परंपराएं और जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बेसिस पे आज हम लगातार अग्रसर हैं प्रगति की ओर और आगे बढ़ रहे हैं। मैं पुनः आप लोगों को अनुरोध करूंगा कि जब भी आप एक समय निकालें दिन भर में एक टाइम और कोशिश करें कि जो प्रीएम्बल है हमारे संविधान में उसको अवश्य पढ़ें। वो एक तरह से एक लाइट देता है कि हमको किस दिशा में जाना चाहिए और उसमें सभी चीज़ों का सार है। तो उस चीज़ को जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा और एक बार पुनः आप विचार करेंगे कि हमें किस दिशा और किस मार्ग में चलना है। मैं ज़्यादा शब्द ना कहते हुए आगे दूसरे कार्यक्रम में भी जाना है, आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की पुनः शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। मैं सभी को बधाई है। गणतंत्र दिवस एक महत्वपूर्ण दिन होता है जहां हम लोग ने संविधान आज के दिन 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था और उसी फाउंडेशन के बेस पर हमारा देश चल रहा है। उस परंपरा को, उस जो प्रिंसिपल्स हैं उसको आज चेरिश करने का दिन है और इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इस गणतंत्र दिवस को अभूतपूर्व ढंग से पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं।